नमस्ते दोस्तों, अभी हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम सी प्लस में मैट्रिक्स टास्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स टास्क का यूएमएल डायग्राम समझाऊंगा, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सी प्लस में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्ट्रिंग क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यूएमएल डायग्राम में हम एक मैट्रिक्स क्लास बनाएंगे, दो ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करेंगे, रोज और कॉलम्स, जिनकी यहां मैं वैल्यू मान रहा हूं 3, 3। आप बढ़ा सकते हैं इसे या घटा सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स में रखूंगा मैं एक एरे जो 2D एरे होगा। पब्लिक सेक्शन में हम कुछ फंक्शन बनाएंगे, जैसे मैट्रिक्स में इनपुट करने के लिए रीड, डिस्प्ले करने के लिए शो, दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करने के लिए ऐड, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को ट्रांसपोज करने के लिए ट्रांसपोज फंक्शन, और इसी तरह से आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे मल्टीप्लाई फंक्शन। सेकेंड स्टेप में मेन प्रोग्राम में मैट्रिक्स के तीन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे ए बी सी, और तीसरी स्टेप में परफॉर्म करेंगे मैसेज पासिंग, जैसे पहली मैट्रिक्स में इनपुट करने के लिए ए डॉट रीड, दूसरी मैट्रिक्स में इनपुट करने के लिए बी डॉट रीड, और अंत में सी में हम चाहेंगे कि ए और बी मैट्रिक्स का एडिशन आ जाए। तो चलिए अब प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आप कोई भी सी प्लस का कंपाइलर या आईडी यूज कर सकते हैं। यहां मैं यूज कर रहा हूँ कोड ब्लॉक्स का। सबसे पहले मैं इंक्लूड कर रहा हूँ आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब यहां पे मैं दो ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं, रोज को 3 और कॉलम्स को भी 3। अब हम डिफाइन करेंगे क्लास मैट्रिक्स, जिसमें हमें प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन करना है एक 2D अरे। अब पब्लिक सेक्शन में हमें कुछ फंक्शंस डिफाइन करने हैं, जैसे रीड फंक्शन। अब रीड फंक्शन का काम होगा मैट्रिक्स में इनपुट करवाना। तो यहां पे मैं एक नेस्टेड लूप परफॉर्म कर रहा हूं एक रोज को ट्रेवल करने के लिए, और एक कॉलम्स को ट्रेवल करने के लिए। और यहां पे हम एक मैसेज दे रहे हैं सी आउट एंटर आइटम। हम चाहते हैं कि इंडेक्स पोजीशन भी शो कि किस इंडेक्स पे डेटा इनपुट होगा, तो आई और जे हमने प्रिंट करवा दिया। और हमने सीन करवा लिया ए के आई जे में। बाकी जो फंक्शंस हैं उनको हम क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। तो सी प्लस में मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर भी आ सकता है, क्लास के बाहर भी। ये जे की क्लोजिंग है, ये आई की क्लोजिंग, और ये फंक्शन की क्लोजिंग। इसी तरह से मैं फंक्शन बनाऊंगा शो ट्रांसपोज, और एक फंक्शन एड मैट्रिक्स, एड मैट्रिक्स एम्परसेंड बी। ये टॉप लोग आप लोगों के एग्जाम में आएगा। यहां पे जो पहला मैट्रिक्स हमने लिखा है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट एज रिटर्न टाइप, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स ऐड होंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा तीसरा मैट्रिक्स। और यहां पे जो हमने पास किया है ये कहलाता है ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर। यहाँ पे एम्परसेंड साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करें पास बाय रेफरेंस, जिससे कि जो भी हम चेंजेस करें वो ओरिजिनल वेरिएबल को भी अफेक्ट करें। अब मैं इनकी डेफिनेशन करनी है। तो जब भी हम किसी फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो पहले हम देना पड़ेगा रिटर्न टाइप, जैसे void, फिर फंक्शन का नाम जैसे शो।
हमें कंपेयर को बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन किसी क्लास का पार्ट है, तो हमें आगे लगाना पड़ेगा क्लास का नाम और स्कोप रिलेशन ऑपरेटर। अब जिस सिस्टम ने इनपुट के लिए लूप परफॉर्म किया है सेम वैसा ही लूप हम परफॉर्म करेंगे शो में, बस यहां पे हमें सी आउट करना है और एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है, और हम चाहते हैं कि हर वैल्यू के बीच में 6 स्पेस आए, तो हमने टैब सीक्वेंस का यूज कर लिया। हम चाहेंगे कि नेक्स्ट रो से पहले लाइन चेंज हो जाए, तो हमने एंडल यूज किया जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ लाइन। इसे हम कहते हैं आईओ मैनिपुलेटर। अब शो फंक्शन के अब हमें डिजाइन करना है ट्रांसपोज फंक्शन, तो हमने ये डिक्लेरेशन यहां से कॉपी किया और यहां पे हमने आगे ऐड कर दिया कि ये भी मैट्रिक्स क्लास का ही पार्ट है। हमें डेफिनेशन प्रोवाइड करनी, तो हमें यहाँ पे लूप दो लूप चलाने पड़ेंगे, एक आई का लूप जो कि रोज को ट्रेवल करेगा और एक जे का लूप जो कि डायगोनल एलिमेंट के आगे से परफॉर्म होगा, डायगोनल एलिमेंट जहां आईओ जे बराबर हो, और चलेगा अप टू जो भी लेस देन कॉलम्स ऑन जे प्लस प्लस। अब हमें यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करनी होगी, तो स्वैपिंग परफॉर्म करने के लिए भी एक लोकल वेरिएबल लेता हूं पी वेरिएबल, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, और यहां पे हम आई जे एलिमेंट को आपस में स्वैप कर देंगे, तो टी में आ जाएगा ए का आई जे, ए के आई जे में आ जाएगा ए का जे आई, और ए के जे आई में आ जाएगा टी। तो इससे ट्रांसपोज फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें फंक्शन बनाना है दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करने का, तो पहले रिटर्न टाइप, फिर क्लास नेम, फिर फंक्शन नेम, फिर ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर। हमें यहां लोकल ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिसका मैं नाम दे रहा हूं सी, तो अगेन ये आप लोगों के एग्जाम का क्वेश्चन है। इसे हम कहते हैं लोकल ऑब्जेक्ट जो किसी फंक्शन का पार्ट हो, तो जब तक ये फंक्शन चलेगा तब तक ये वेरिएबल भी रहेगा, जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्ट की डेथ हो जाएगी, तो अगेन हमें यहाँ पे एक लूप चाहिए, तो ये लूप हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कुछ फॉर्मूला कि ऑब्जेक्ट सी के मेंबर ए आई जे में करंट ऑब्जेक्ट का ए आई जे आ जाए प्लस हमने जो पैरामीटर भेजा है बी उसके मेंबर्स ए आई जे ऐड हो जाए। हम यहां पे चाहते तो दिस भी लिख सकते थे क्योंकि दिस रिप्रेजेंट करता है करेंट ऑब्जेक्ट जिसने फंक्शन को कॉल किया है। अब यहां पे लूप कंप्लीट हो गया जे का, यहां पे आई का, यहां में लिखना पड़ेगा रिटर्न सी जिससे कि जो भी मैट्रिक्स सी का रिजल्ट है वो रिटर्न हो जाए। अब जितने भी फंक्शन में डिजाइन करे थे वो हम डिजाइन कर चुके हैं, हमें डिजाइन करना मेन फंक्शन। अगर आप चाहें तो ये पूरा लॉजिक आप किसी हेडर फाइल में भी सेव कर सकते हैं, उस केस में आपको यहाँ पे बस उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा जिसमें आपने लॉजिक को सेव किया है, जैसे मान लीजिए कि आपने हेडर फाइल का नाम दिया है माई हेडर फाइल डॉट एच, तो जितना भी लॉजिक है वो आप चाहें तो हेडर फाइल में भी सेव करके रख सकते हैं, उसके इसमें हेडर फाइल और सीपीपी फाइल सेम लोकेशन पे होनी चाहिए, जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूं माय हेडर फाइल डॉट एच। अब यहां पे केवल आपको मेन प्रोग्राम का प्लान करना होगा, लेकिन हाल ही फिलहाल मैं यहां पे इस हेडर फाइल की लॉजिक हटा के वापस हमने जो कोडिंग की थी वही पेस्ट कर देता हूं। हमें स्टेप टू में बनाने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो मुझे तीन ऑब्जेक्ट चाहिए ए बी सी। हमें परफॉर्म करना पड़ेगा मैसेज पासिंग, तो हम लिख रहे हैं ए डॉट रीड जिससे कि पहली मैट्रिक्स रीड हो जाए, ए बी डॉट रीड जिससे कि सेकंड मैट्रिक्स रीड हो जाए, फिर हम कह रहे हैं सी इक्वल टू ए डॉट एड बी। अब देखिए यहां पे फंक्शन किसने कॉल किया, ए ने, इस कहां से जो करंट ऑब्जेक्ट होगा
वो ए कहलाएगा, जिस कारण से दिस में ए की एड्रेस आ जाएगी। इस कारण से मैं यहाँ पे लिख पा रहे थे दिस, और क्योंकि फंक्शन ए ने कॉल किया है तो यहाँ पे ए डॉट लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बाकी जो है उनके लिए मैं लिखना पड़ेगा, जैसे बी और यहाँ पे सी। अब हम चाहेंगे कि मैट्रिक्स सी डिस्प्ले हो जाए, तो हमने कुछ मैसेज दे दिया और लिख रहे हैं सी डॉट शो। अब इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए ट्रांसपोज परफॉर्म कर रहा हूं मैट्रिक्स सी में, तो सी डॉट ट्रांसपोज, और फिर से हम चाहेंगे शो हो, तो हमने इस फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया और यहां लिख देते हैं आफ्टर ट्रांसपोज। तो अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसे सेव कर लेते हैं मैट्रिक्स क्लास नाम से। हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन करना होगा, तो आई और जे को हमने इंटीजर डिफाइन कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें बताना पड़ेगा आई और जे इंटीजर हैं। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं फिर से, ओके, अब इसे रन करते हैं। सबसे पहले हमसे वो मांग रहा है मैट्रिक्स ए में इनपुट, तो कुछ हिस्से से मैसेज आ रहा है, तो हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप कुछ और भी वैल्यूज मान सकते हैं। अब सेकंड मैट्रिक्स में इनपुट, तो सेकंड मैट्रिक्स में मैं सब जगहों पे 1 दे रहा हूं, तो हमें मैट्रिक्स सी का कुछ ऐसा रिजल्ट मिल गया कि आप देख सकते हैं सभी एलिमेंट्स में 1 ऐड हो चुका है, और ट्रांसपोज के बाद जो रो एलिमेंट था वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन गई है, इसी तरह से थर्ड जो रो थी वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया है। अब इसी को हम चाहे तो हेडर फाइल की मदद से भी रन कर सकते थे, तो इस पूरे लॉजिक को यहां से मैं हटा देता हूं और इसे मैं डिफाइन कर लेता हूं अपने हेडर फाइल में, जिसको मैंने माय हेडर फाइल नाम से सेव किया हुआ है। अब मेन प्रोग्राम में सिंपली मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा जो भी हमने हेडर फाइल का नाम दिया था, जैसे माय हेडर फाइल डॉट एच। फिर से कंपाइल कर लेते, आपको ध्यान रखना है कि अपनी हेडर फाइल को सबसे लास्ट में इंक्लूड करना है, क्योंकि आपकी हेडर फाइल भी आईओ स्ट्रीम का यूज कर रही है। अब इसे फिर से रन कर सकते कुछ डिफरेंट वैल्यूज के साथ, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर बाकी मैं सब कॉन्स्टेंट वैल्यूज दे रहा हूं, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है कि पहले मैट्रिक्स कुछ हिस्से से आई, लेकिन ट्रांसपोज के बाद एलिमेंट्स आपस में स्वैप हो गए। तो दोस्तों आप सभी का शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।